ये जामा मस्जिद जो है यहाँ से कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। मार्केट जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास ही है, क्योंकि हर तरफ यहाँ पूरा मार्केट ही मार्केट है। इस गली में शीर माल बोलते हैं इसको, 350 रुपये का ये एक मिलती है। 350 अच्छी है, 150 रुपये में भी लिखा हुआ यहाँ पर। देखिए ये नकली पूमा, देखिए अनानास, ठंडा ठंडा रू अफजा। ये गर्मियों का तोहफा है भाई साहब, हम दर्द वालों का तोहफा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल व्लॉग्स। जा रहे हैं जामा मस्जिद और वहां पर एक लेन है पूरी खाऊ गली की जैसी, उस लेन को देखने के लिए। और वहां का कुछ मार्केट देखते हैं वहां पर और क्या हमको देखने को मिलता है। सुना है मैंने कि वहां पे खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है वहाँ पर। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है थोड़ी सी दूरी पर लाल किले के सामने ही, जामा मस्जिद राइट हैंड साइड में यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी यहाँ से हम सीधा रोड को क्रॉस करते हैं, उस तरफ जाते हैं और वहाँ से जामा मस्जिद का रास्ता देखते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद ये देखिए, ये ऐसा मार्केट वाला रोड मिला। ये तो भाई फुल मार्केट वाला रोड है, ये मीना बाज़ार भी शायद इसको बोलते हैं। अंदर चलते हैं, ये मीना बाज़ार यही है क्या? मीना बाज़ार का रोड, बाजार का रोड है भाई, मीना बाजार यही है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। कितने का भाई ये? 150 में 2 की होल्डर है ऐसा वाला, इस तरह का भी है। 150 रुपये में 2 मिलेंगे आपको ये की होल्डर। 150 रुपये का था ये। वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट है और फैशन स्ट्रीट है। तो देखिए ये सारे इस तरह के अलग अलग तरीके के शूज़ हैं। रेट देखिए, एक दाम ही लिखा हुआ यहाँ पर। देखिए ये नकली पुमा, पुमा का नकली कॉपी 350 रुपये में, एक ही दाम 350 रुपये। तो 350 रुपये में शूज़ थे यहाँ पे और लेडीज़ पर्स है। ये देखते हैं कितने के हैं। कितने के भाई ये लेडीज़ के पर्स? 300 150 रुपये। बस ऐसे ही स्ट्रीट का मार्केट है तो उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि सस्ते रेट में भी है। और ये देखिए घर के यूज़ होने वाले प्लास्टिक के आइटम, इमिटेशन ज्वेलरी, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, 100 रुपीज़ सब 100 रुपीज़ में आपको ऐसी वाली यहाँ पे पर्स मिलेंगी। मस्जिद का मेट्रो स्टेशन भी एकदम जामा मस्जिद के पास ही है। आप कभी भी दिल्ली आएँ और यहाँ आना हो तो आप मेट्रो से डायरेक्ट आ सकते हैं। छोले चावल, छोले भटूरे, दिल्ली की शान भाई, छोले चावल, छोले भटूरे, ये सब तो काफ़ी कुछ अच्छा है भाई। खाने पीने की चीज़ें काफ़ी मिलती है दिल्ली में और बेस्ट प्राइस में मिलती हैं, अच्छा रेट होता है खाने पीने की चीज़ों में। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ शरबत है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये गर्मियों का तोहफा है भाई साहब, 5 रुपए। पुराने दिल्ली, फतेहपुरी, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, इतनी गर्मी में रू अफजा और वो भी ठंडा ठंडा रू अफजा 10 रुपए में, सही था, अच्छा लगा। काफी बड़ा मार्केट है भाई ये मीना बाजार, देखिए वहां तक तो और फैला हुआ है और बिल्कुल जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों तक ये बाजार है। सामने देखिए जामा मस्जिद एकदम से दिख रही है, उसकी सीढ़ियाँ भी दिख रही है। बाकी खाने पीने की चीज़ें जैसे देखिए गोली सोडा, क्या बात है भाई, गन्ने का जूस और कपड़े, यानी आपको शॉपिंग करने के लिए तो हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। सबसे ज़्यादा कपड़े, कपड़े, पर्स, चप्पल, ये सबसे ज़्यादा है इस मीना बाज़ार में। देखिए ककड़ियाँ हैं, रू अफजा है, अनानास भी मिलता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। और ये आ गया जामा मस्जिद, देखिए आ गई खीर वगैरह। चलिए ये ऊपर चलते फटाफट जामा मस्जिद के पास। भाई दिल्ली तो मैं कई बार आ चुका हूँ लेकिन जामा मस्जिद आने का मौका नहीं मिला था और आज मौका मिल गया। चलिए ऊपर की तरफ देखिए, ये है जामा मस्जिद का मेन गेट। अब इस गेट से हम अंदर जाएंगे और जामा मस्जिद का जो नज़ारा है
अंदर से कैसी दिखती है वो पूरी कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको पूरा तरह से दिखा पाऊं कि कैसी ये दिखती है। तो अंदर चलते हैं और अंदर से देखिए, ये देखिए, ओहो हो, यहाँ से देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्या बात है भाई। ये देखिए ये जामा मस्जिद जो है यहाँ से कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर पूरा, ये देखिए खूबसूरत सी ये मस्जिद है। और मोस्टली मैंने देखा अभी कि काफ़ी मतलब सारे ही धर्मों के लोग यहाँ घूमने को आते हैं, देखने को आते हैं। अभी ये देखिए पूरा का पूरा ये बड़ी बड़ी लादियाँ, या तो अच्छा है कि ये कपड़ा रखा हुआ है बीच में, क्योंकि बहुत गर्मी है और पूरा फर्श जल रहा है, तो ये कपड़े से लोग कई सारे इसके ऊपर चल के आ रहे हैं। और ये देखिए ये आ गया है यहाँ पर, इनका हाउस है ये जहाँ पर वज़ू वगैरह करते हैं। ये देखिए ये पूरा हाउस है ये वज़ू करने के लिए, सब लोग वज़ू करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, नमाज वगैरह पढ़ना है तो वज़ू करके फिर अंदर सामने की तरफ जो मस्जिद दिख रही है वहाँ पर जाना पड़ेगा। खूबसूरत नज़ारा है ये भी, जामा मस्जिद है ये देखिए भाई। यहाँ से हमने एंट्री किया और ये पूरा जामा मस्जिद का ये एरिया ये देख लीजिए आप, वहाँ से भी एक छोटा गेट है। ये पूरी की पूरी अंदर मेन इसकी जमी मस्जिद जो है अंदर, आई थिंक वज़ू खाना है, ये वहाँ पर भी एक गेट है और ये पूरा का पूरा ग्राउंड है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि 6-7 बार आ चुका हूँ मैं पहले भी दिल्ली, बट कभी मौका नहीं मिला। आज भी मौका नहीं मिलने वाला था, टाइम बिल्कुल नहीं था मेरा, मुझे शाम की फ़्लाइट पकड़नी है, फटाफट 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है और अभी 3:30 बज चुके हैं, बट फिर भी मौका मिल गया और जामा मस्जिद भी देखने को मिल गया। तो मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा कोशिश करते हैं कि अंदर हमको जाने मिलता है क्या, अंदर मस्जिद कैसी दिखती है, थोड़ा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मेन अंदर की मस्जिद का जो गेट है, ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है, ये अंदर की मस्जिद का गेट है। लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, जो भी घूमने आता है वो लोग सब यहाँ पर बैठे हैं। शूज रख देते हैं, शूज रख दिया मैंने। ये जामा मस्जिद के अंदर का एरिया है, अभी तक वही ओल्ड स्ट्रक्चर है, इसको ज़्यादा रेनोवेट नहीं किया गया है। ये देखिए लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ब्लॉगिंग शुरू हो रही है क्या? तो हमने देखा जामा मस्जिद के अंदर से भी देखा, ये देखिए बाहर से भी पूरा देखा। अब बाहर निकलने के लिए देखते हैं रास्ता कहाँ से, जहाँ से आए वहाँ से नहीं, हम कोशिश करेंगे जहाँ पर वो काफ़ी सारे खाऊ गली है उस खाऊ गली की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। वो रोड देखते हैं, वो आई थिंक वो आगे वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो आ गया हूँ बाहर, मस्जिद के बाहर आ गया मैं। अब यहाँ से नीचे से हम उस तरफ जाएंगे, जो खाऊ गली है वो देखेंगे स्पेशली। मैं आपको आगे दिखाता हूँ मार्केट कैसा दिख रहा है और पीछे लाल किला भी दिखता है। देखिए ये है गेट जामा मस्जिद का, ये सीढ़ियाँ हैं और ये देखिए ठीक सामने ये पूरा का पूरा जो है जामा मस्जिद के सामने का मीना बाज़ार वाला जो बाज़ार है, यहाँ पूरा है, वहाँ पूरा है। और वहाँ दूर आपको दिख भी रहा होगा वो लाल किला का पूरा बाउंड्री है, यानी ठीक सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लाल किले से जो जामा मस्जिद का डिस्टेंस है ना, वो अगर चलकर आप आते हैं तो 15 मिनट लगते हैं, सिर्फ 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगता। जामा मस्जिद के बाहर की मार्केट, यहाँ से हम जा रहे हैं खाऊ गली, खाऊ गली में देखते हैं क्या क्या मिलता है, कैसे कौन कौन सी दुकानें हैं। देखिए मार्केट यहाँ का, यहाँ पर भी सब बच्चों का, बड़ों का कुर्ते वगैरह, देखिए चप्पल वगैरह सब कुछ है। कितने की भाई जान ये सब, ये चप्पल कितने की है? 200 रुपये। और ये वाली भाई? 350। अच्छा ये देखो 350 रुपये में।
ये 200 रुपए में। पूरा कपड़े चप्पल का मार्केट है। ये कितने की भाई जान? 200 रुपए। पहले की प्यारी है यार, 200 रुपए में। बहुत बड़ा मार्केट है, आप आएंगे तो आपको काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। मीना बाज़ार से हम लोग निकल चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद के दूसरे गेट की तरफ, जहाँ पर सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। वैसे तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, बट वो काफ़ी फेमस है वो वाली गली, तो मैं वो वाली गली आपको स्पेशली दिखाऊँगा। जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 साइड वाला गेट है, और इसी के जस्ट सामने है ये वाली गली, जिसके अंदर भाई करीम और ये सब बड़े बड़े होटल्स हैं, दावत दरबार। यानी अगर आपको नॉनवेज खाना है तो भाई इस गली में आना पड़ेगा, और एक से एक खाने पीने की आइटम की दुकान यहाँ पर आपको मिलेगी। जवाहर रेस्टोरेंट के अलग अलग चीज़ें हैं भाई, खाने की आइटम है यहाँ पर। अंदर यहाँ पर सेवैयाँ वगैरह, अभी तो ईद नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर शायद हमेशा ही मिलते रहते हैं। नान खटाई वगैरह जो होती है ना, ये सारे देखिए कुकीज़, इस तरह की नान खटाई वगैरह यहाँ पर मिलती है। ये काजू बादाम वाली है, इस तरह की पिज़्ज़ा स्टाइल में। ये देखो भाई शेर माल बोलते हैं इसको, 350 रुपये का ये एक मिलती है। बढ़िया, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स के शीरमाल यहाँ पर मिलते हैं। ये इनका दुकान है शॉप, और यहाँ पर इस तरफ अलग अलग तरह के शीरमाल मिलते हैं। यहाँ पर भी नॉनवेज का सब है, शरबत मोहब्बत भी यहाँ पर जगह जगह पर मिल रहा है। देखिए ये भी नॉनवेज की दुकान, यहाँ पर शरबत मोहब्बत, ये देखिए चिकन के आइटम्स।